दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को चुनौती दी है। उसने कोर्ट के 5 मई के फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती हुई बस में पैरामेडिक की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। अपराधियों ने उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर उसे और उसके मित्र को नग्न अवस्था में चलती हुई बस के नीचे फेंक दिया था। बाद में इलाज के दौरान उस छात्रा की मृत्यु भी हो गई। सामूहिक दुष्कर्म कांड के इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को मौत की सजा देने के हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी मोहर लगाई थी। 4 में से एक दोषी मुकेश ने वकील एमएल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा रद्द किए जाने की मांग की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुकेश घटना की रात को बस चला रहा था, जिसमें छात्रा के साथ हैवानियत हुई थी। उसने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयत्न किया था, लेकिन दाखिल पुनर्विचार याचिका में मुकेश का कहना है कि उस रात को वो बस में था ही नहीं, उसे झूठा फंसाया गया है। ये भी कहा है कि पुलिस ने उसे करौली से गिरफ्तार किया था और पुलिस ने उसे प्रताड़ित कर अपराध स्वीकृति का बयान दर्ज किया। मुकेश का ये भी कहना है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। पुलिस ने उसके जिस ड्राइविंग लाइसेंस को कोर्ट में पेश किया है, वो मोटरसाइकिल चलाने की है, बस चलाने की नहीं। अब देखना ये है कि मुकेश के इस गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। स्नेहल सिन्हा, HCN News।